हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अपने घर पे सेफ होंगे। अभी आपको बाहर घर से बाहर नहीं निकलना है जब तक इस COVID-19 का यानी कि कोरोना महामारी का कोई इलाज नहीं मिल जाता। तो तब तक टीम मंथन की तरफ से घर से पढ़ाओ अभियान के तहत आपको घर बैठे ही ऑनलाइन शिक्षा मिलेगी। तो आपको यहीं से होमवर्क मिला करेगा और आपको सब कुछ डाटा, हर विषय का डाटा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जो भी आपके सब्जेक्ट है उनका मिलेगा। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे पक्षी हैं, इंसान हैं, जानवर हैं, वो अपने विचारों को यानी कि अपने भावों को व्यक्त करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। हाँ, किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, अपने भाषा का, है ना। कोई भी हमारे मन के अंदर विचार है, कुछ हमें बोलना है, कुछ हमें दूसरों से पूछना है, या हमें कोई लिख कर किसी को कुछ बताना है, तो हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, लैंग्वेज यानी कि भाषा का प्रयोग करते हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक है, हिंदी व्याकरण का, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हर क्लास के बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम करने जा रहे हैं आज का हमारा टॉपिक भाषा। ठीक है, जैसे पक्षी हैं, चिड़िया हैं, चिड़िया अपनी, चिड़िया की बोली क्या होती है, ची ची। कुत्ता कैसे करता है, भो भो। तो वो उनकी भाषा है वो, या भाषा को हम संकेतों के द्वारा भी, जैसे जैसे आपने ट्रैफिक सिग्नल देखे होंगे, एक जो ट्रैफिक पुलिस वाला होता है वो अपने साइन लैंग्वेज का यूज करता है, इधर से आओ उधर से आओ ऐसे, तो वो साइन लैंग्वेज होती है, उसके द्वारा वह अपने जो भाव है वो उसको निकाल देते हैं। तो भाषा का प्रयोग आज हम करेंगे। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने भेद होते हैं। तो जैसे मन के जो भी विचार हैं, हमारे अंदर जितनी भी भावनाएं हैं, उनको व्यक्त करने के लिए जिस साधन का प्रयोग हम करते हैं उसे क्या कहते हैं, भाषा। आप अपना कॉपी पेन उठाइए और इसको लिखें एक बार, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, साथ के साथ आप भी लिखेंगे इसको। भावों और विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। किसे कहते हैं भाषा, एक बार और रिपीट कर देते हैं। भावों और विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। अर्थात हम अपने भाव को या विचारों को जब जिस साधन के द्वारा प्रकट करते हैं उसे ही हम भाषा कहते हैं। और सबकी भाषाएं, विश्व के अंदर बहुत सारी भाषाएं हैं, और हमारे जो भारत देश के संविधान के अंदर संवैधानिक रूप से 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितनी भाषाओं को, 22, ठीक है, 22 लैंग्वेज जो है उनको भारतीय संविधान के अंदर संवैधानिक रूप से मान्यता दी गई है। ठीक है, वैसे जैसे संसार के अंदर तो बहुत सारी लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है, उर्दू है, बहुत सारी भाषाएं हैं। ठीक है, हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है वह क्या है, यस, हिंदी। क्या है, हिंदी। हिंदी हमारी मातृभाषा है और इन भाषा के प्रयोग के द्वारा ही हम अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, कुछ कुछ इंग्लिश भाषा का भी प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक है, आप अपनी भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, भाषा और बोली के अंदर भी बहुत बड़ा अंतर होता है, वो आगे हम करेंगे। लेकिन इससे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो हम जान लेते हैं कि भाषा के कितने भेद होते हैं। कितने भाषा के कितने भेद होते हैं। भाषा के मुख्यतः दो रूप ही माने जाते हैं। कितने रूप माने जाते हैं, दो रूप। भाषा के मुख्यतः दो रूप हैं, एक का नाम है मौखिक एक है हमारी मौखिक भाषा और दूसरी जो है वो है लिखित भाषा। मौखिक भाषा यानी कि मुख के द्वारा बोलकर जो हम अपने विचार प्रकट करते हैं उसे कहते हैं मौखिक भाषा। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं मुख से बोल रहा हूं, तो ये हमारी कौन सी भाषा होगी, मौखिक भाषा। और दूसरा है लिखित भाषा, यानी कि जो मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, ये सब इसको आप देख रहे हैं, इसके जो उसके अंदर भाव लिखे हैं वो आप समझ रहे हैं, तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। आपने देखा होगा हम सुबह सुबह समाचार पत्र पढ़ते हैं, आपकी बुक्स में कहानियां, स्टोरी, जितना भी मैटर है वो सब का सब
लिखित भाषा के अंदर प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो लिखित भाषा होगी। मौखिक भाषा जो हम मुख के द्वारा बोलकर प्रकट करते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक है, भाषा किसे कहते हैं, भावों और विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा के मुख्यतः दो रूप माने गए हैं, एक है मौखिक भाषा और एक है लिखित भाषा। ठीक है, सांकेतिक भाषा को हम अलग से नहीं करेंगे, सांकेतिक भाषा भी मौखिक भाषा के अंदर ही आ जाती है। ठीक है, साइन लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, साइन लैंग्वेज के द्वारा भी हम बहुत कुछ समझते हैं। जैसे अगर किसी को पानी चाहिए तो हम ऐसे इशारा कर लेते हैं, मेरे को पानी चाहिए, या कुछ मेरे को खाने के लिए चाहिए तो हम साइन ऐसे करते हैं, मेरे को खाना चाहिए, तो साइन लैंग्वेज का भी प्रयोग हम करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है भाषा, वो आगे थोड़ा और शुरू करते हैं। इतना समझ आ गया होगा, उम्मीद है कि ये आपने लिख लिया होगा। हम इसको साफ करने जा रहे हैं, आप अगला टॉपिक करते हैं। उसके बाद हम करते हैं अपना टॉपिक जो है, भाषा के अंदर ही आता है लिपि। लिपि किसे कहते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लिपि, लिपि होती क्या है, जो मौखिक ध्वनियों के लिए यानी कि जो हम मुख से बोल रहे हैं, निश्चित किए गए लिखित चिन्ह, जो चिन्ह है हमारे, जैसे हिंदी वर्णमाला में है अ आ ई ई, ये चिन्ह है, ये वर्ण जो हमारे हैं, इन्हीं वर्णों को यानी कि लिखित चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। अब जो मैंने ये लिखा है, ये भी हमारी लिपि है। और आपको पता है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, हिंदी भाषा की जो लिपि है वह है देवनागरी। कौन सी लिपि है, देवनागरी। हिंदी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी है। और जो हमारी भाषा है हिंदी, विदेशों में बहुत प्रसिद्ध हो रही है, बहुत से देश के जो नागरिक हैं वो हिंदी को लिख रहे हैं, हिंदी को पढ़ रहे हैं, हिंदी को सीख रहे हैं। बहुत सी पत्रिकाएं, मैगजीन है ना, ये सब हिंदी भाषा में प्रकाशित हो रही हैं। हिंदी का जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत है और विदेशों तक यह हिंदी पहुंच चुकी है। हमें हिंदी भाषा के ऊपर गर्व है। अच्छा, क्या आपको पता है हिंदी भाषा कहाँ से आई? हाँ, हिंदी जो भाषा है, वैसे भारत की जो जितनी भी भाषाएं हैं उनका सभी का लगभग जन्म किस भाषा से हुआ है, संस्कृत से हुआ है, संस्कृत भाषा से। हिंदी भाषा का जो जन्म है वह संस्कृत भाषा से हुआ है। भारत की अन्य बहुत सारी भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उनमें संस्कृत के बहुत सारे शब्द से मिल जाते हैं, जो संस्कृत में है वो आज भी प्रसिद्ध हैं। तो आगे जो इसका टॉपिक है लिपि के बाद जो आता है हमारा, भाषा और बोली। क्या है, भाषा और बोली, उसमें क्या अंतर है, हमारे देश में जितनी भाषाएं हैं उनकी लिपि क्या क्या है, वो हम आगे करते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि भाषा और बोली में क्या अंतर होता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा वो क्या कहलाती है, हमारी लिपि। यानी कि कोई लिमिटेड सा एरिया, छोटा क्षेत्र होता है, वहाँ पर जो बोली बोली जाती है, भाषा बोली जाती है, हम उसको बोली कहते हैं। जैसे हमारी हरियाणवी हो गई, ठीक है, छत्तीसगढ़ी है और राजस्थानी है, तो ये सब जो भाषाएं है वो बोली के रूप में आती हैं। यानी कि छोटे क्षेत्र के अंदर जो यूज होती है, यानी कि एक राज्य के अंदर उसको हम कह सकते हैं कि वो जो है हमारी बोली कहलाती है। और इस बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता। लिखित रूप यानी कि इसके अंदर जैसे कोई बुक्स हैं या इसके अंदर कोई इतिहास है, वो इस भाषा के अंदर यानी कि इस बोली के अंदर हम नहीं लिख पाते। और दूसरा, अगर हम भाषा को देखें तो अभी हमने भाषा का टॉपिक किया है, भाषा का जो रूप है वो विस्तृत है, देश के अंदर विदेश के अंदर अनेक प्रकार की भाषाएं हैं, हिंदी है जैसे, इंग्लिश है, ठीक है, ये संस्कृत है, ये सब भाषाओं का रूप होता है। और इसमें आपको लिखित रूप यानी कि इतिहास ग्रंथ जितने भी हैं वो आपको इन भाषाओं के अंदर मिल जाते हैं। ठीक है, क्लियर है बोली और भाषा के बीच में क्या अंतर है। अब हम देख लेते हैं विभिन्न प्रकार की भाषाएं और उनकी लिपि कौन कौन सी है। यह टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है, इंग्लिश भाषा की लिपि कौन सी है, तो वो हम विस्तार से लिख देते हैं, आप उसको नोट कर लीजिएगा। तो उसके बाद हम देखते हैं, हमारे एक तरफ है भाषाएं और दूसरी तरफ है लिपियां। यानी कि सबसे पहले जैसे संस्कृत है,
संस्कृत की लिपि वो कौन सी है? देवनागरी। और हिंदी, हिंदी की लिपि भी देवनागरी है, क्योंकि हिंदी का जो जन्म है वो कहाँ से हुआ है? संस्कृत से। तो संस्कृत है, हिंदी है, नेपाली है और मराठी है। तो संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी, हिंदी की लिपि देवनागरी, नेपाली की जो लिपि है वो भी देवनागरी, और मराठी जो भाषा है उसकी लिपि भी देवनागरी है। ठीक है, ये चार प्रकार की जो भाषाएं हैं, ठीक है, ये इनकी लिपि सेम देवनागरी है। दूसरा जो है पंजाबी, पंजाबी की लिपि जो है वो है गुरुमुखी। क्या बोलते हैं इसको? गुरुमुखी। उसके बाद जो हमारी बंगाली भाषा है, बंगाली भाषा की जो लिपि है वो है बांग्ला, और जर्मन और अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वो है रोमन। उसके बाद जो हमारी उर्दू भाषा है उसकी लिपि है फारसी। ठीक है, तो ये सब इतनी भाषाएं हैं और ये सब उनकी लिपियों के नाम है। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं, साफ साफ दिख रहा है ये, इनको आप याद करें। और भाषा के विषय में ऐसा हमने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है जो आपको लर्न ना हो, और बिल्कुल इजी वे से हमने करवाया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पिछले वीडियो की तरह पसंद आया होगा। हमारे पास बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, जो उन्होंने होमवर्क किया है साफ साफ हैंड राइटिंग में उसको लिख के हमारे पास भेज रहे हैं। स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले आपको अपना नंबर दिया जाता है, उस नंबर के ऊपर आप कोई लाइक कमेंट कुछ ऐसा सुधार की कोई आवश्यकता है वो सब डाल सकते हैं। और इस वीडियो में आपका स्वागत था, स्वागत है और स्वागत रहेगा। थैंक यू।